श्री कनकमल कटारा जी सर, प्लीज प्लीज बहुत 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 धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे आपने बजट में बजट 2022 और 23 में बोलने की इजाज़त दी है। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम भारत एट दी शो पर पहुँचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में भारत एट दी शो के दृष्टिकोण निर्धारित किया है। सुरक्षा, आर्थिक स्तर, समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास की सहायता करना है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक, प्रौद्योगिकी समिति विकास, ऊर्जा परिवर्तन एवं जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर भारत की दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता संबद्धता प्रोत्साहन को उत्साहवर्धन प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इनमें से 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने और अगले 5 वर्ष के दौरान 30 लाख अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने की क्षमता है। इस बजट में अमृतकाल के जो भविष्य अनुरूप में समावेशी है, जिसमें हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति, जनजाति को सीधा फायदा पहुँचेगा। लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख है कि राजस्थान में रीट की परीक्षा पेपर आउट हुआ, जिसमें 26 लाख युवाओं के साथ में धोखाधड़ी हुई, भारी भ्रष्टाचार हुआ, पेपर बेचे गए, बेचने वाले पकड़े भी गए। राजस्थान के मुख्य लेवल में लेवल टू की परीक्षा निरस्त कर दी है और ऐसी स्थिति में SOG जांच कर रही है, लेकिन यह प्रभावित हो रही है। मैं मांग करता हूं कि ऐसे युवाओं के साथ में, शिक्षित बेरोजगारों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, इसको CBI से जांच करनी चाहिए ताकि वह दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आज यहाँ हम नौकरी की बात कर रहे हैं, आदरणीय मोदी साहब रोजगार देने की बात कर रहे हैं, और राजस्थान में जिस प्रकार की स्थितियाँ हो रही हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग बड़े दुखी हैं। ये आशा थी कि वाकई में मेरा बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ करके डॉक्टर बनेगा, शिक्षक बनेगा, क्या स्थिति बनी है उसके साथ में। आज जैसे रितेश पांडे जी बता रहे थे कि कब्रिस्तान में अगर कोई किसी को गाड़ दिया जाए मुर्दे को, और मुर्दा वापस उसको निकाला जाए तो बोलेगा कि मुझे मेरी नौकरी कहाँ है। कि वाकई में स्थिति कांग्रेस के समय में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, आज भी राजस्थान में इसका जीता जाता उदाहरण मिल रहा है, और 4-4 व्यक्ति पकड़े गए हैं, और पकड़ने के बाद में भी अभी भी ये निरस्त कर दी है, जिसके कारण से लोग बाग बहुत परेशान हैं, बहुत बेरोजगार, बड़ी स्थिति खराब है, और पूरा रीट रद्द कर दिया, जिसके कारण से आज युवा और बेरोजगार लोग बड़े परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इसी निश्चित रूप से CBI से जांच होनी चाहिए। सभापति महोदया, 2022 में एक्सप्रेस मार्ग के लिए PM गति शक्ति मास्टर प्लान का प्रतिबंध किया जाएगा, ताकि लोगों को वस्तुओं का अधिक तेज मूवमेंट हो सके। वर्ष 2022 तक में राजमार्ग नेटवर्क 25,000 किलोमीटर जोड़े जाएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय नितिन गडकरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में ये 311 किलोमीटर हाईवे जो है, इसकी स्वीकृति प्रदान की है, और बहुत बड़ा काम, यानी कि पूरे मेरे क्षेत्र में रोडों का जाल बिछा दिया है, और इसके कारण से लोग बहुत खुश हैं। वाकई में इस प्रकार काम बहुत अपेक्षित था, लेकिन अब आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में यह काम पूरा हो रहा है। मैं इस समय में, मैडम, आदिवासी क्षेत्र का मामला है, मैं अगले 3-4 नई पीढ़ी के वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा, जो ऊर्जा क्षमता और यात्रियों के सुखद उनकी दृष्टि से बेहतर होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान में, आज देश के किसी कोने से जुड़ा हुआ नहीं है, बार बार मांग की जा रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि हम बहुत लंबा और बड़ा सोच रख करके कि अभी रेल 400 नई रेल करवाएंगे और चलेंगी, लेकिन हमारा क्षेत्र है
वंदे भारत के तहत हमारा क्षेत्र जिसके अंदर रतलाम से अहमदाबाद वाया डूंगरपुर ये जो रेल है वो प्रारंभ नहीं हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी साहब के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस और विशेष ध्यान दे करके इस रेल को चालू करने का कष्ट करें। मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि महिला बाल विकास मंत्रालय में भी बहुत अच्छा 2 लाख आंगनवाड़ी को सक्षम किया जाएगा। इसके साथ ही हर घर नल नल में पानी योजना के अंतर्गत 8.7 करोड़ परिवार को कवर किया गया है और मेरे क्षेत्र में अभी राजस्थान में 10,180 करोड़ रुपया दिया गया है। मेरे क्षेत्र में भी बहुत अच्छी राशि उपलब्ध कराई जाती है। जनजाति जो पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी के ऊपर रहते हैं बड़ी बड़ी टंकियां बना करके निश्चित रूप से उससे पाइपलाइन से उस बहुत दूर दराज क्षेत्र के लोगों को पानी मिलेगा। जैसे बिजली क्षेत्र के अंदर भी बहुत ही अच्छी इसमें उपलब्धि हासिल की है। मैं इसमें और भी निवेदन करना चाहूँगा कि आवाज मैं निवेदन करना चाहता हूँ मैडम सभापति महोदय हो गया धन्यवाद स्पीकर महोदय, आपने मुझे इस दो दे दी धन्यवाद स्पीकर महोदय, आपने इस बजट पर मुझे